ऐसे अंदाज से के दुनिया के तू होश उड़ा। ये है हमारे बेहतरीन डांसिंग स्टार्स, थैंक यू सो मच। और आप अपनी जगह पर जाकर बैठ सकते हैं, थैंक यू। और तालियों के साथ स्वागत कीजिए लक्स डांस इंडिया डांस के तीनों मास्टर्स का, रेमो डिसूजा, गीता कपूर और टेरेंस लुईस, और हमारे ग्रैंड मास्टर मिथुन नागा। दोस्तों आज शनिवार है और अक्सर ये शाम आते ही इस मंच का माहौल बड़ा अजीब सा हो जाता है। अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद भी डांसिंग स्टार्स खुद को नर्वस पाते हैं, मास्टर्स दुविधा में पड़ जाते हैं कि किसे डांस की कसौटी पे उतारे और किसे नहीं। ग्रैंड मास्टर मिथुन दा को तो कुछ कहते ही नहीं बनता, दादा अक्सर कहते हैं कि दिल घबरा जाता है। सच है, हम भी महसूस करते हैं घबराहट वाली स्थिति को। हम नजरें नहीं मिला पाते जब हम उस लिफाफे को खोलते हैं जहां पर जाने वाले का नाम लिखा होता है। जी हाँ, और आज भी वही शनिवार है, टेंशन भी शायद कुछ वैसा ही है, लेकिन साथ ही एक खुशी भी है। ये सच है कि आज भी दो डांसिंग स्टार्स को ये मंच छोड़कर जाना होगा, लेकिन अगले हफ्ते वो फिर इस मंच पर वापस आएंगे। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि अब तक जितने भी डांसिंग स्टार्स को ये मंच छोड़कर जाना पड़ा है वो सभी अगले हफ्ते आएंगे अपना हुनर दिखाकर बेहतरीन 12 में शामिल होने के लिए। सबसे बड़े डांसिंग स्टार की ओर हम अपना एक और कदम बढ़ाने जा रहे हैं, और अगले हफ्ते से हमारा हर कदम पर हमारे साथ होंगे आप। यस, आप पर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होगी, इंडिया का सबसे बड़ा डांसिंग स्टार चुनने की। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज मास्टर्स किसे डांस की कसौटी पर उतारने वाले हैं। सबसे पहले बारी है मास्टर गीता आपकी। I'm a little disappointed क्योंकि कोरियोग्राफिकली बहुत ही काफी सिंपल था और वेरी रेपिटेटिव। ये गाना इतना रोमांटिक है ना, तो वो मैजिक वाज मिसिंग। यस, मैं भी थोड़ा अग्री करता हूँ टेरेंस से कि थोड़े कुछ काफी रेपिटेटिव भी लगा मुझे और उतना इंप्रेसिव नहीं लगा। आज आप डांस की कसौटी पे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है बिनी? डांस की कसौटी पर ये तीसरी बार मेरा उतरना मुझे बिल्कुल भी नर्वस फील नहीं करवाता। इनफैक्ट मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो जरूर बढ़ गया है, और कोशिश यही है कि आप सबका दिल फिर से जीत लूं। मास्टर गीता, ये दोनों इस हफ्ते मेरे लिए बहुत 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 ही ज़्यादा मेरे बैकअप और सपोर्ट सिस्टम रहे हैं। जितना मैं पिछले हफ्ते निराश हुई थी, इन्होंने उतनी मेरी हौसला अफजाई की है और हिम्मत बढ़ाया है कि डोंट वरी, वी आर देयर। एंड मुझे ऊपर वाले पे भरोसा है कि इतना मेहनत करने वाले लोगों के साथ वो नाइंसाफी नहीं करेंगे, ये वापस जरूर आएंगे। पक्का माँ। विनी और किशोर, ऑल द बेस्ट, और हम यही आशा करते हैं कि आप दोनों ही बेहतरीन 12 में आ जाएं। ऑल द बेस्ट। अब बारी है टेरेंस की टोली की। मैं तो जंतर से ही डरता हूँ, बस प्यार का मंत्र करता हूँ, इन चक्कर में ना पड़ता
केमिस्ट्री बहुत अच्छी है गाइस, बट वेरी वेरी लो एनर्जी. आई जस्ट विश कि डांसिंग थोड़ी और स्ट्रांग और एफर्टलेस होती. इट वाज नॉट कृति एंड परवेज वाला परफॉर्मेंस जो कि हर टाइम देते हैं आप लोग. Very well done. No doubt this was a beautiful performance. Thank you, sir. This was by far mere liye the most flawless performance. Bahut acha laga mujhe. I had almost tears in my eyes here. You guys performed so beautifully. आज बड़ी ही इंटरेस्टिंग मोड पर हमारे डांसिंग स्टार्स खड़े हैं, क्योंकि जो भी डांसिंग स्टार्स आज डांस की कसौटी पे नहीं उतारे जाएंगे वो डायरेक्टली बेहतरीन 12 में पहुंच जाएंगे और जनता उन्हें अगले वीक से जज करेगी. सो मास्टर टेरेंस, वक्त आ गया है नॉमिनेशन का, तो बताइए कि आखिर कुंवर और परवेज में से आप किसे नॉमिनेट करेंगे? कुंवर और परवेज के बीच में अगर मैं कहूँ तो मैं यही कहूंगा कि कुंवर, I would say you're safe, and Parvez, you step forward. Parvez, yes sir. आपके कल के performances में बस थोड़ी energy कम थी 5% की, तो वही energy आप इस गाने में डाल देना. Okay. Sure, sir. कोशिश करूँ. और फिर मेरे दामन में आ जाना. जरूर okay. सर, पूरी कोशिश करूँ. All the best. Thank you so much. Congrats, Parvez. Congratulations, Kuwar. आप शामिल है हमारे बेहतरीन 12 में. सो जोरदार तालियों से कुंवर के लिए. शक्ति एंड कृति, वंस अगेन कृति, सेम कमेंट्स व्हाट आई सेड फॉर परवेज कि आपने भी बहुत अच्छा किया, आपने एक अलग स्टाइल किया है कल, और आप पे थोड़ी एनर्जी कमी हुई थी, तो उसी एनर्जी के साथ जो बाकी हुई थी वो आज इस मंच पे डेफिनेटली सर पूरे दिल से परफॉर्म करूंगी. और आज का डांस, मुझे ये गाना बहुत पसंद है, तो मैं दिल से ही डांस करके वापस आपके पास आ जाऊंगा. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट यू. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. कंग्रेचुलेशन शक्ति, आप भी पहुंच गई हैं बेहतरीन 12 में. कंग्रेचुलेशन शक्ति के लिए. कम ऑन गाइस. मास्टर एमओ, ये बताएं कि आज वो किन दो डांसिंग स्टार्स को डांस की कसौटी पे उतारेंगे. चलिए देखते हैं इनके कल के परफॉर्मेंसेस की एक झलक. The switch was switch बहुत मजा आया. How you use the costume? I just felt कि energy level कम था. भावना, ज़्यादा करके आपके performances में मुझे ऐसा लगता है कि आप disconnected रहती हैं. थोड़ी practice की बहुत ज़रूरी थी. I'm feeling very bad for him. कि मुझे idea बहुत पसंद है, लेकिन फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि execution में problem. That didn't work for me. आप दोनों ही बताइए, आप दोनों में से किसे आज डांस की कसौटी पर नॉमिनेट होना चाहिए? बी ऑनेस्ट. आई थिंक मुझे, क्योंकि कल जिस तरह से कमेंट्स मिले, और इवन मेरी भी गलती थी, सो आई थिंक जो फेयर है वही सही होता है. सो आई थिंक मेरे को एक स्टेप अपने आप ही आगे रख देना चाहिए. मास्टर रेमो, आप भी यही सोचते हैं? ऑनेस्ट है, यस बिल्कुल सर. बिल्कुल सोचता हूँ मैं. डेफिनेटली शशांक को आगे जाना चाहिए. वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस पुनीत, आप फाइनली आ चुके हमारे बेहतरीन 12 में. ओके देन, थैंक यू सो मच. थैंक यू. आप अपनी सीट पर बैठ सकते हैं. निकिताशा और भावना, What is your guess? यहाँ तक पहुँचे हैं तो सब मेहनत करके ही पहुँचे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि और मेहनत करके मैं सुपर 12 में भी जाऊँ. सो इसके लिए
पूरी तरह तैयार हूँ और दिल से परफॉर्म करूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपनी टीम में वापस लौटूं। हम दोनों में से जो भी जाएगा पूरा अपना जी जान लगाएगा। लेकिन कल की परफॉर्मेंस को देखने के बाद कुछ तो गेस कर सकते हैं कि क्या आप या फिर 50-50, एब्सोल्युटली 50-50। ओके, तो मास्टर रेमो ये तो 50-50 कह रहे हैं, अब आप ही बता दीजिए कि कौन सा 50 यहाँ आने वाला है। आज मैं चाहता हूँ कि जिनको सबसे ज्यादा कहते हैं कि उसमें एनर्जी नहीं रहती, मैं चाहता हूँ भावना आगे आए, उसकी पूरी एनर्जी दिखाएं आज एंड प्रूव दैट यू आर द बेस्ट। डेफिनेटली सर। निकिताशा, कांग्रेचुलेशंस, आप आ चुकी हैं बेहतरीन 12 में। जोरदार ताला हो जाए निकिताशा के लिए।